यस स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसमें क्या लिखते हैं हम, इसके स्टेटमेंट में हैज़ और हैव का यूज़ होता है। अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। अगर ही शी इट है तो क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। दे यू आई वी क्या है इसके, ये प्लूरल हैं तो इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर सिंगुलर नाउन है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर राइट है तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिटन, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ हैव पहले आ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है तो हैज़ पहले आ जाएगा, तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट, यानी कि हैज़ शी रिटन अ लेटर। और एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि इस इंटरोगेटिव में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट में कि उसमें कन्वर्ट होती है कि जो एस ई एस हट जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म ही रहती है। अगर यहाँ पर शी की जगह दे होता तो क्या हो जाता, हैव दे रिटन अ लेटर। नेगेटिव में क्या होता है, हैज़ हैव के बाद हम नॉट ऐड कर देते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ हैव पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ शी, फिर शी के सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन भी बनाना है और निगेटिव भी बनाना है, तो हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेट सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसके अंदर परफेक्ट है तो इसके अंदर हैज़ हैव का भी यूज़ होता है और प्लस बीन का यूज़ होगा, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। मैंने आपको बताया था जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि परफेक्ट है तो हैज़ हैव का यूज़ होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और यहाँ पर हम सिंस फॉर का भी यूज़ करते हैं जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबके अंदर क्या होता है, सिंस फॉर का भी यूज़ किया जाता है। तो इसके स्टेटमेंट के क्या रूल होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फॉर और सिंस लगेगा, और जो भी टाइम की बात हो रही है वो आगे ऐड होगा उसके अंदर सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल शी क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब हम देखेंगे सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। फॉर इज़ अप्लाइड बिफोर अनसर्टेन टाइम, अगर हमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, और अगर हमें डेफिनेट टाइम पता है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए कि फॉर कहाँ का यूज़ किया जाता है, अगर आवर्स की बात हो रही है, 5 hours, 2 hours, एन आवर, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, और क्लॉक की बात हो रही है, 3 o'clock, 5 o'clock, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर PM, AM की बात हो रही है तो अभी हम सिंस का यूज़ करेंगे, और डेज़ की बात हो रही है, फ्यू डेज़, 4 days, 5 days, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। अगर डेज़ के नेम की बात हो रही है, मंडे, सैटरडे, संडे, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर मंथ, 2 months, 8 months, 4 months की बात हो रही है तो फॉर का यूज़ करें, और मंथ के नेम है मार्च, जून, जनवरी, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर ईयर की बात हो रही है, 1 year, 10 year, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर ईयर मेंशन है, 2011, 12, 13, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर लॉन्ग टाइम दे रखा है तो फॉर का यूज़ करेंगे, सिर्फ लॉन्ग दे रखा है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिमिलरली यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, बर्थ, बिगनिंग, देन, वैन, इन सब के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि पहले क्या होता है, हैज़ और हैव लगता है, फिर सब्जेक्ट, यानी कि हैज़ है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज़ होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस यूज़ करेंगे, फिर टाइम। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि शी जो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैंने अभी आपको बताया था कि मॉर्निंग के साथ आप सिंस का यूज़ करेंगे, आर होता तो हम फॉर का यूज़ करते। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम, और आगे हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हैज़ हैव के बाद नॉट, यानी कि बीन और हैज़ हैव के से बीच में क्या लग जाएगा, नॉट, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर दे होता तो क्या हो जाता, दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हैज़ है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, सिंस प्लस टाइम,
फिर आगे अगर आपका आगे भी सेंटेंस है तो आगे लिखेंगे, नहीं है तो यहीं पर हम कंप्लीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, शी के साथ हैज़ पहले आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो हैज़ शी और नॉट भी लगाना है तो शी के बाद नॉट हो जाएगा, हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस वेरी क्लियरली।